हेलो गाइस, देखिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो देखिए इसमें हमें फंक्शन क्या गिवन है, साइन 25 डिग्री इनटू कोस 65 डिग्री और कोस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। तो देखिए इसमें इसकी वैल्यू निकालेंगे हम। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पर दो फॉर्मूले यूज़ करूँगा जो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। पहला फॉर्मूला है साइन ए। साइन ए क्या होता है, कोश 90 डिग्री माइनस ए। ओके, और दूसरा फॉर्मूला यूज़ करूँगा मैं कोश ए का। कोश ए क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस ए। ओके, तो देखिए पहले मैं ये फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। इस फॉर्मूले का मैं यूज़ किस पर करूँगा, साइन साइन 25 डिग्री, ये तो ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, और कोस 65 है, कोस 65 डिग्री है, इस पर ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं हम। कोस 65 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस, और ए की जगह यहाँ पर क्या है हमारे पास, 65 डिग्री, तो इसकी जगह 65 डिग्री लिख देता हूँ। और प्लस इस कोस को ऐसे के ऐसे ही रहने देंगे हम, कोस 25 डिग्री, और इस साइन की जगह इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो देखिए साइन 65 डिग्री की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। ओके, तो इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं अच्छे से। देखिए ये साइन 25 डिग्री एज इट इज़ रहेगा, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे 65 डिग्री, तो ये कितना बचेगा, साइन 25 डिग्री, और यहाँ पर प्लस कोस क्या है, 25 डिग्री, और यहाँ पर क्या था हमारे पास, ये कोस 90 माइनस 65 डिग्री, तो ये कितना हो गया, कोस 25 डिग्री। ओके, तो देखिए अभी इसके मल्टीप्लाई इसके साथ है, मल्टीप्लाई में है ये, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वेयर 65 डिग्री, और प्लस इसको कोस स्क्वेयर 65 डिग्री। ओके, अभी मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा, आइडेंटिटी साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा क्या होता है, इक्वल 1। ओके, तो देखिए यहाँ पर थीटा की जगह क्या एंगल है, 65 डिग्री और 65 डिग्री, तो ये भी क्या हो गया हमारा, 1। तो देखिए हमारा यही आंसर है। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।